और ये सब नाम सुन करके आपकी भक्ति करके जो सारा सुख है वो प्राप्त करना चाहती हूँ।
जो अपना यह जीवन है वो सफल बनाना चाहती। तीसरे प्रश्न में मीराबाई जी कहते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, कि मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के रूप को किस तरह से, उनके सौंदर्य को किस रूप से जो है वो अपने पदों में जो है व्याख्या की है उनकी। तो मीराबाई जी कहती है कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट धारण किया है, और जिस हम जब भी देखते हैं कि श्री कृष्ण के जो सिर पर हमेशा है मोर का जो मुकुट है वो हमेशा धारण रहता है, पहना हुआ रहता है, और तन पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं कि वो हमेशा जो है पीले वस्त्र पहन कर रखते हैं, गले में वे जल्दी फूलों की जो माला उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। कृष्ण बांसुरी जो कृष्ण जी है वो हमेशा बांसुरी बजाते हुए भी हमें वृंदावन की गलियों में जो नजर आते हैं। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं और अपनी गायों के साथ जो है वो वृंदावन की गलियों के अंदर जाते हैं, अपनी गायें चराते हुए जाते हैं, तो जो उनका रूप है वो बहुत ही अच्छा सुंदर और मनोरम लगता है। तो इस तरह से मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को जो बखान किया है, सबसे पहले उनके मोर मुकुट धारण करने के बारे में बात की है, दूसरा उनके पीले वस्त्र शोभित है पीले वस्त्र पहनने के बारे में उन्होंने बात की है, तीसरी उन्होंने जो वैजयंती माला है उनके गले में डाली है फूलों की माला उसके बारे में बात की है, उसके बाद उनके बांसुरी बजाने के ढंग को जो वृंदावन में वो गायें चलाते हैं तो क्या है वो हमेशा अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं और वो बांसुरी बजाते हुए ही वृंदावन की गलियों में जो है वो नजर आते हैं। ये सारी बातें हैं जो मीराबाई ने अपने पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को जो बखान करने के लिए वर्णन किया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि मीराबाई जी की जो पदों की भाषा शैली है कि उन्होंने किस भाषा के अंदर जो अपने पद है उनकी रचना की है। तो मीराबाई जी जो क्या है वो जो है ब्रज भाषा में लिखती थी, पर उसके अंदर की ब्रज भाषा के अंदर उन्होंने किन किन जो भाषाओं का और मिश्रण रखा है, किन किन भाषाओं का जो मिश्रित रूप है उन्होंने अपने पदों में दिया है। तो मीराबाई ने ब्रज भाषा के अंदर ही राजस्थानी, क्योंकि वो आप राजस्थान से भी बिलोंग कर मतलब थी, इसीलिए वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करती है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ गुजराती के शब्दों का भी प्रयोग किया है इसमें, सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा मतलब इसमें सरल और सहज की जो है सरल साधारण भाषा और सहज जो हर किसी को जो है वो आसानी से समझ आए, और आम बोलचाल की भाषा की जो लोग आम जो है बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उस भाषा का उन शब्दों का जो है वो प्रयोग मीराबाई जी ने अपने पदों में जो है अपनी भाषा में जो है किया है। उसके बाद मीराबाई के पदों में भक्ति रस है, इसके पदों में उन्होंने कौन कौन से जो है अलंकारों का अपनी भाषा के अंदर अपनी शैली के अंदर प्रयोग किया है, महत्वपूर्ण उन्होंने दो जो है अलंकार रखे हैं, एक है अनुप्रास और दूसरा उपस, पर कहीं कहीं उनके पदों के अंदर हमें कुंभुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो भी दिखाई देते हैं, पर जो महत्वपूर्ण उन्होंने अलंकार अपनी भाषा शैली के अंदर रखे हैं वो दो है अनुप्रास और रूपक। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है, कि उन्होंने अपने जो शैली है अपने जो भी उन्होंने पदों की रचना की है उसके अंदर उन्होंने ऐसे भाव रखे हैं कि पढ़ने वाला है उनकी तरफ जो है वो उस भाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही आसानी के अंदर जो है वो समझ सकता है, वो हर पढ़ने वाले व्यक्ति को जो है वो समझ में उनके जो पद है वो आसानी से समझ में आती है। इनके पदों में मधुर्य गुण प्रमुख है और शांत रस के दर्शन होते हैं, कि जब हम इनके पदों को पढ़ते हैं तो बहुत ही हमें आसानी से जो है समझ आते हैं, आसानी से जो है भाषा है वो शांत और आसान भाषा का जो है हमें इनके पदों में नजर आता है। मीरा ने मुक्तक ज्ञावचन की रचना की है जिसमें उनके दर्द की अभिव्यक्ति हुई है, कि अभिव्यक्त है उन्होंने उन्हें अपने विचारों को बहुत ही सुंदर रूप में जो अभिव्यक्त किया है, उन्होंने बहुत से ऐसे मतलब कि अलंकार है या छंदों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, सिंपल और साधारण जो भाषा है सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, ताकि हर पढ़ने वाले को जो है उनके जो भाव है वो आसानी से जो है उनकी शब्दावली है वो आसानी से हर एक को समझ में आए।
प्रश्न वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है कि मीराबाई जी कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए जो है वो तैयार है। मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम के रूप में देखा है, वे बार बार कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। हमने अभी कुछ दूसरा पद्य इसमें दिया गया उसमें भी देखा गया कि वो बार बार दर्शन इसीलिए पाना चाहती है क्योंकि वो हमेशा जो है उनके पास दासी बनकर सेविका बनकर जो है वो चाकरी करना चाहती है, उनके पास जो हमेशा रहना चाहती है। वे कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार है, वे कृष्ण की सेविका बनकर उनके साथ रहना चाहती है, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे रहना चाहती है। विहार करने के लिए मतलब कि जब श्री कृष्ण जो है वो बाहर घूमने फिरने के लिए जाए तो उनके लिए जो मीराबाई एक बाग भी जो है वो तैयार किया है। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है कि वृंदावन में वो गलियों में जाकर जो है श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताना चाहती है, उनके गुणों का जो है गुणगान करना चाहती है। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां इसलिए बनवाना चाहती है कि वो आसानी से जो है श्री कृष्ण को देख सके, उनके दर्शन जो है कर सके। वे उनके दर्शन के लिए सुंदरी रंग की साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को भी तैयार है कि वो श्री कृष्ण से जो अपने मन के भाव हैं उन अपने मन की जो बातें हैं वो करना चाहते हैं। और वो सुंदरी रंग को चाहे कि लाल रंग की जो साड़ी है वो पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को जो है श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, इंतजार करती हैं ताकि जो अपने मन के भाव हैं वो श्री कृष्ण से बयान कर सके, उन्हें बता सके। वे अपने आराध्य को मिलने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आराध्य मतलब वो जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, तो भक्ति का श्री कृष्ण को तो श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए वो कहते हैं कि वो हर संभव प्रयास करना चाहती है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का।